Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss 7th chapter, that is jocks and mocks. First number, fill in the empty boxes. Fill in the empty boxes. Empty box को fill up कीजिए. तो ये empty box को fill up करने से पहले हमको मालूम होना चाहिए 1 liter, that is equal to 1000 milliliter. L stand for liter and ml stand for milliliter. 1 liter, that is equal to 1000 milliliter. तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 liter यहाँ पे दिया गया. तो यहाँ पे क्या है, ये जो बॉक्स है आपको फिलअप करना होगा. ये बॉक्स यहाँ पे, नीचे बॉक्स यहाँ पे फिलअप करना होगा. तो 1 liter, तो यहाँ पे इस साइड में देखिए 500 milliliter प्लस 500 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीलीटर, दैट इज कॉल टू 1000 मिलीलीटर. दैट मीन्स 1 लीटर, दैट इज कॉल टू 1000 मिलीलीटर. तो फिर ये साइड में आइए, यहाँ पे जो दोनों एम्प्टी बॉक्स है, तो 1 लीटर, तो यहाँ पे एम्प्टी दो बॉक्स है. तो क्या मैंने लिखा, 500 मिलीलीटर और 500 मिलीलीटर. 500 मिलीलीटर को 500 मिलीलीटर से प्लस करने से कितना होगा, 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. बात ए साइड में आइए, 250 मिलीलीटर. बाद में यहाँ पे दोनों बॉक्स एम्प्टी है, तो मैंने एक बॉक्स में लिखा 375 मिलीलीटर, 375 मिलीलीटर. तभी ये तीनों को ऐड कीजिए, 1000 मिलीलीटर होता है कि नहीं. अगर 1000 मिलीलीटर होता है तो फिर सही है. 250 प्लस 375 प्लस 375. तो पहले 375 और 375 को ऐड कीजिए. 375 प्लस 375, दैट इज इक्वल टू 750 मिलीलीटर. बात नहीं, 250 मिलीलीटर, 750 प्लस 250, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. दैट मीन 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. बाद में ए साइड में आइए, 200 मिलीलीटर. बाद में 200 मिलीलीटर से कितना मिलीलीटर ऐड करने से कितना होगा, होना चाहिए 1000 मिलीलीटर होगा. तो फिर 1000 मिलीलीटर माइनस 200 मिलीटर, दैट इज कॉल टू 800 मिलीटर. सो 200 मिलीटर में 800 मिलीटर आर कनस कितना होगा, 1000 मिलीटर, जो कि 1 लीटर है. तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 800 लीटर. 800 मिलीटर प्लस 200 मिलीटर, सो दैट इज कॉल टू 1000 मिलीटर. 1000 मिलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. बाद में ए साइड में आइए, यहाँ पे कितना बॉक्स है, 3 बॉक्स है, 3 एम्प्टी बॉक्स है. सो 1 लीटर, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. तो यहाँ पे देखिए 300 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर, 300 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर, दैट इज इक्वल टू 600 मिलीलीटर प्लस 400 मिलीलीटर. 300 प्लस 300 प्लस 400, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. बाद में ये नीचे वाला में आई, इस साइड 100 मिलीलीटर दिया गया. अभी 3 एम्प्टी बॉक्सेस है, ये 3 एम्प्टी बॉक्सेस को ऐड करने से कितना होना चाहिए, 900 मिलीलीटर. तो देखिए मैंने यहाँ पे 300 मिलीलीटर लिखा, यहाँ पे 300 मिलीलीटर और यहाँ पे 300 मिलीलीटर. तो तीनों 300 मिलीलीटर को ऐड करने से कितना होता है, 900 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीटर. 900 प्लस 100, दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर. 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर. तो इसी तरह आपको फिलअप करके बताना होगा.
एम्प्टी बॉक्स में मैंने जो लिखा आप भी और दूसरा क्वांटिटी भी लेकर फिलअप कर सकते हैं। देन नेक्स्ट कम टू द सेकेंड क्वेश्चन। तो 1 लीटर, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू हाउ मेनी मिलीलीटर? 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर कितना मिलीलीटर होता है? 1000 लीटर। तो आप देख सकते एक साइड, ए साइड, ए साइड और ए साइड, चारों साइड है। तो फिर ये जो साइड दिया गया इस साइड में जो एम्प्टी बॉक्सेस है, ये एम्प्टी बॉक्सेस और यहाँ पे जो 50 मिलीलीटर दिया गया, ये सभी का आर्ट करने से कितना होना चाहिए? 1000 मिलीलीटर। यहाँ पे भी होना चाहिए 1000, यहाँ पे भी 1000 और यहाँ पे भी 1000 मिलीलीटर होना चाहिए आर्ट करने से। तो यहाँ पे कितना दिया गया? 50 मिलीलीटर। बाद यहाँ पे मैंने एम्प्टी बॉक्स में कितना लिखा? 50 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 200 मीटर पहले से दिया गया, तो यहाँ पे मैंने कितना लिखा? 400 मिलीलीटर। तो यहाँ पे कितना लिखा है एम्प्टी बॉक्स में? 300 मिलीलीटर। तो अभी देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 बॉक्स है। ये 5 बॉक्स में जो क्वांटिटी दिया गया वो क्वांटिटी को ऐड कीजिए। तो क्वांटिटी ऐड करने से कितना होना चाहिए? 1000 मिलीलीटर होना चाहिए। 50 मिलीलीटर प्लस 50 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 100 मिलीलीटर। 100 प्लस 200 मिलीलीटर, 100 प्लस 200 दैट इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर। 300 प्लस 400, 300 प्लस 400 दैट इज इक्वल टू 700 मिलीलीटर। 700 मिलीलीटर प्लस 300 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो फिर क्या है? सही है। दे यहाँ पे सेकेंड को आई, तो यहाँ पे कितना दिया गया? 500 मिलीलीटर, बाद में 200 मिलीलीटर। ये जो दोनों एम्प्टी बॉक्स है हमको फिलअप करना है। तो यहाँ पे 500 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीटर दोनों का ऐड करने से कितना होता है? 700 लीटर। बाकी जो दो एम्प्टी बॉक्स है, दो एम्प्टी बॉक्स में क्वांटिटी को ऐड करने से कितना होना चाहिए? 300 मिलीलीटर होना चाहिए, क्योंकि पहले 700 मिलीलीटर दिया गया। तो मैंने एक एम्प्टी बॉक्स से 150 मिलीलीटर और दूसरा एम्प्टी बॉक्स में 150 मिलीलीटर लिखा। तो अभी ये चारों को ऐड कीजिए। 500 प्लस 200 दैट इज कॉल्ड 700। देन 150 प्लस 150, 150 प्लस 150 दैट इज कॉल्ड 300। तो 700 प्लस 300 दैट इज कॉल्ड टू 1000 मिलीलीटर। तो 1000 मिलीलीटर दैट्स इक्वल टू 1 लीटर। तो यहाँ पे आई, तो यहाँ पे दो एम्प्टी बॉक्स है, तो मैंने एक में लिखा 500 मिलीलीटर और दूसरे में लिखा 500 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। सो 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर। देन यहाँ पे आई 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे कितना एम्प्टी बॉक्स है? 1 2 2 एम्प्टी बॉक्स है। तो सबसे पहले जो बॉक्स में क्वांटिटी दिया गया वो क्वांटिटी को ऐड करते हैं, 100 मिलीलीटर, 200 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीटर। सो 100 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीटर दैट इज इक्वल टू 300 मिलीलीटर। 300 मिलीलीटर प्लस 500 मिलीटर दैट इज इक्वल टू 800 मिलीलीटर। तो फिर बाकी जो एम्प्टी बॉक्स है वो एम्प्टी बॉक्स में जो दोनों क्वांटिटी लिखेंगे वो क्वांटिटी को ऐड करने से कितना होना चाहिए? 200 मिलीलीटर, क्योंकि पहले से 800 मिलीलीटर दे चुका है। तो मैंने एक एम्प्टी बॉक्स में 100 मिलीलीटर और दूसरा एम्प्टी बॉक्स में 100 मिलीलीटर लिखा।
सो 100 मिलीलीटर प्लस 100 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 200 मिलीलीटर। बात नहीं, कितना क्वांटिटी दिया गया, 800 मिलीलीटर। 800 मिलीलीटर प्लस 200 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। तो आप भी, मैंने जो क्वांटिटी लिया आप भी दूसरा क्वांटिटी लेके आपको फिलअप कर सकते हैं। Then next come to the question number 2. A. Understand the examples and fill in the blanks on the basis of it. Understand the examples and fill in the blanks on the basis of it. आपको एग्जाम्पल को समझना चाहिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स ऑन द बेसिस ऑफ इट। बात नहीं, यहाँ पे जो ब्लैंक्स दिया गया उसको एग्जाम्पल के आधार पर आपको फिलअप करना होगा। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल को समझना होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लिख करते हैं, 2 लीटर प्लस 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर प्लस 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2450 मिलीलीटर। 3 लीटर प्लस 75 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर प्लस 75 मिलीलीटर सो इक्वल टू 3075 मिलीलीटर। 4 लीटर प्लस 5 मिलीलीटर 4000 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर इज इक्वल टू 4005 मिलीलीटर। तो यहाँ पे देखिए, 2 लीटर प्लस 450 मिलीलीटर इज इक्वल टू 2 लीटर टू 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 2 लीटर दैट इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। तो 2 लीटर के बदले में यहाँ पे कितना लिखा, 2000 मिलीलीटर प्लस 450 मिलीलीटर। तो अभी 2000 मिलीलीटर प्लस 450 मिलीटर को ऐड करते हैं, तो ऐड करने से कितना मिला, 2450 मिलीलीटर। मतलब यहाँ पे जो क्वांटिटी लीटर में दिया गया उसको मिलीलीटर में कन्वर्ट करना, बाद में ऐड करना। तो सेकंड में देखिए, वही 3 लीटर प्लस 75 मिलीलीटर इज इक्वल, तो 3 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर दैट इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। तो 3 लीटर के बदले में यहाँ पे कितना लिखा, 3000 मिलीलीटर प्लस 75 मिलीलीटर। तो अभी दोनों को ऐड कीजिए, दैट इज इक्वल टू 3075 मिलीलीटर। 4 लीटर प्लस 5 मिलीलीटर, तो 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 4 लीटर इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर। तो 4 लीटर के बदले में यहाँ पे कितना लिखा, 4000 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर। ये दोनों का भी ऐड कीजिए, 4000 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 4005 मिलीलीटर। तो अभी आपको एग्जांपल समझ में आएगा, अभी इसी तरह हमको यहाँ पे फिलअप करना होगा। फर्स्ट नंबर, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 2 लीटर हाउ मेनी मिलीलीटर, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर दैट इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर। तो मैंने यहाँ पे 2000 लिखा। देन 6 लीटर, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर। 5 लीटर, 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, सो 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। तो
तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 5000 लिखा दे। तो यहाँ पे देखिए 7000 मिलीलीटर, यहाँ पे मिलीलीटर में दिया गया तो हमको लीटर में लिखना है। तो आपको मालूम है 1000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 1 लीटर, 2000 मिलीलीटर 2 लीटर, 3000 मिलीलीटर 3 लीटर, 4000 मिलीलीटर 4 लीटर, 5000 मिलीलीटर 5 लीटर, 6000 मिलीलीटर 6 लीटर। तो यहाँ पे कितना दिया है 7000 मिलीलीटर। तो 7000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 7 लीटर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 7 लिखा। देन 4000 मिलीलीटर, 4000 मिलीलीटर दैट इज इक्वल टू 4 लीटर। 9000 मिलीलीटर, 9000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 9 लीटर। 3000 मिलीलीटर, 3000 मिलीलीटर इज इक्वल टू 3 लीटर। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे देखिए 3 लीटर प्लस 475 मिलीलीटर। तो हम एग्जाम्पल में अभी रीड किए थे, तो यहाँ पे जो लीटर दिया गया वो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना, बाद में ऐड करना। सो 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 3 लीटर इक्वल टू 3000 मिलीलीटर। तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा 3000 मिलीलीटर प्लस 475 मिलीलीटर। 3000 मिलीलीटर प्लस 475 मिलीलीटर दोनों को ऐड करने से कितना होगा 3475 मिलीलीटर। तो मैंने यहीं पे लिखा। देन क्वेश्चन नंबर 10, 5 लीटर प्लस 60 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 60 मिलीलीटर है, 5 लीटर है, 5 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। सो 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर। सो 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर। तो 5 लीटर के बदले में मैंने क्या लिखा 5000 लीटर प्लस 60 मिलीलीटर। सो 5000 मिलीलीटर प्लस 60 मिलीलीटर, 5000 मिलीलीटर को 60 मिलीलीटर में ऐड कीजिए तो ऐड करने से कितना होगा 5060 मिलीलीटर। दैट मीन्स 5 लीटर प्लस 60 मिलीलीटर इज इक्वल टू 5060 मिलीलीटर। देन नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर 11, 7 लीटर प्लस 5 मिलीलीटर। तो यहाँ पे 5 मिलीलीटर दिया गया, यहाँ पे 7 लीटर। तो 7 लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना। तो फिर 1 लीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मिलीलीटर, 2 लीटर दैट इज इक्वल टू 2000 मिलीलीटर, 3 लीटर इज इक्वल टू 3000 मिलीलीटर, 4 लीटर इज इक्वल टू 4000 मिलीलीटर, 5 लीटर इज इक्वल टू 5000 मिलीलीटर, 6 लीटर इज इक्वल टू 6000 मिलीलीटर। तो 7 लीटर, 7 लीटर दैट इज इक्वल टू 7000 मिलीलीटर। तो मैंने 7 लीटर के बदले में कितना लिखा 7000 मिलीलीटर। तो 7 लीटर के बदले में मैंने क्या लिखा 7000 मिलीलीटर प्लस 5 मिलीलीटर। तो अभी 7000 मिलीलीटर को
फाइव लीटर में ऐड कीजिए। आर कंस कितना होता है 7005 मिलीलीटर। इसी तरह आपको फिलअप करके बताना होगा।